हे गाइस, दिस इज हियर रोहित। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में। तो बेसिकली अगर हम कोई लैपटॉप खरीदते हैं उस टाइम हम कन्फ्यूज जाते हैं कि मुझे इस टाइम पर एक्चुअली कितने GB की रैम की ज़रूरत पड़ने वाली है और मुझे इस टाइम पर कौन से टाइप का रैम लेना चाहिए, DDR4 का, DDR3 का या फिर DDR5 का, ठीक है। बट हम कन्फ्यूज जाते हैं कि मुझे इस टाइम पर कितना GB का रैम चाहिए और मुझे अपने लैपटॉप में एक अच्छा स्पीड चाहिए, मुझे कोई ऐसा लैग फ्री एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए मैं आपके यूजेस के हिसाब से बेस्ट जो आने वाले आपके आपके लिए कौन सा और कितना GB का रैम होना बेस्ट है ये लेके आया हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको इस टाइम पर कितने GB का रैम चाहिए। और मैं इस वीडियो को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ। तीन कैटेगरी का मीन्स कि इस तीन कैटेगरी में तीन तरह के यूजर्स आते हैं। पहले ऐसे जो बिगिनर्स लेवल के हैं जो कि अपने लैपटॉप में बेसिक पर्पस करना चाहते हैं, जैसे कि वो अपने लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस होते हैं उनको यूज़ करना चाहते हैं, या फिर वो कुछ ऐसे छोटे गेम्स हैं, छोटे ग्राफिक्स वाले गेम्स उनको यूज़ करना चाहते हैं, या फिर कुछ उसके बाद जो लोग हैं सेकंड कैटेगरी के वो ऐसे यूजर्स हैं जो कि अपने लैपटॉप में एक अच्छी जो होती है मिड रेंज वाली प्रोसेसर जो आती है आपकी एप्लीकेशंस को यूज़ करना चाहते हैं, या फिर अपने लैपटॉप में एक अच्छी तरह की गेमिंग करना चाहते हैं। और उसके बाद जो कैटेगरी के लोग हैं वो बहुत ही एडवांस लेवल के लोग हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो अपने लैपटॉप में गेमिंग कर सके एक अच्छे लेवल का मीन्स कि वो अपने लैपटॉप में हाई ग्राफिक्स पे मतलब कि 1080p पे या फिर 4K में अपने वीडियोस को एडिट कर सके या फिर अपने 8K में वीडियोस को प्ले कर सके, और अपने डिफरेंट जो आते हैं 3D एप्लीकेशंस जैसे कि माया जैसे एप्लीकेशंस को यूज़ कर सके। और ऐसे लोग जो कि एनिमेशन करते हैं, एनिमेटर्स हैं, तो उनके लिए ये थर्ड कैटेगरी का जो आता है रैम टाइप और कितने GB का रैम होना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नंबर पे मैं बात करता हूँ बिगिनर्स लेवल की। तो बिगिनर्स लेवल में होता क्या है कि आपको मिनिमम एक रैम चाहिए जिसमें कि आपको एक अच्छा लैग फ्री एक्सपीरियंस मिले, आपको लैपटॉप से कोई भी ऐसा लैग देखने को नहीं मिले। तो यहाँ पर सबसे जो आती है सबसे बेसिक वाली वो आती है आपकी 8 GB की DDR4 रैम इस टाइम पर। जी हाँ, अगर आप एफोर्ड करते हो DDR5 तो DDR5 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट 8 GB का DDR4 रैम आपके लैपटॉप में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एक बिगिनर्स लेवल के हो और आप चाहते हो कि मुझे बेसिक पर्पस का जैसे कि वेब ब्राउजिंग हुआ या फिर माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस हुए उनको यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पर होता क्या है कि आपकी जो होती है क्रोम ब्राउज़र वो बहुत ही ज़्यादा रैम खपत करती है और वो बहुत ज़्यादा रैम लेती है। तो वहाँ पर आपके लिए जो 8 GB का रैम है ये एनफ है आपके लिए। यहाँ पर 8 GB में आप अपने वर्क को बहुत ही आराम से स्मूथली कर सकते हो और अपने वर्क को बहुत ही अच्छे तरीके से लैग फ्री एक्सपीरियंस कर सकते हो, और अपने डिफरेंट गेम्स को भी इस लैपटॉप में, जिस लैपटॉप में आपको 8 GB की रैम है उसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड कैटेगरी के लोग जो कि हमारे हैं जो गेमिंग करना चाहते हैं एक अच्छे लेवल पर। तो वहाँ पर आपके लिए बेसिकली 16 GB की रैम होना मस्ट है। मस्ट का मीन्स कि वो चाहते हैं कि वो अपने लैपटॉप में गेमिंग करें और अपने 4K वीडियोस को भी प्ले कर सके एक अच्छे लेवल तक की, और साथ ही वो अपने गेम्स को स्ट्रीम कर सके। स्ट्रीम का मीन्स कि जैसे कि लाइव स्ट्रीम होता है यूट्यूब पर, तो वो उस गेम को एक किसी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर ही नहीं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर वो उसे लाइव स्ट्रीम कर सके। यहाँ पर आपके लिए 16 GB का रैम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपको एक बहुत ही अच्छा लैग फ्री एक्सपीरियंस मिले। तो अगर आप एक चाहते हो कि मुझे, आप एक गेमर हो और आप अपने गेमिंग को अच्छे तरीके से करना चाहते हो और आप अपने डिफरेंट एप्लीकेशंस को भी अच्छे जो होते हैं ग्राफिक्स के साथ करना चाहते हो, एक अच्छे रिजोल्यूशन के साथ करना चाहते हो, तो ये जो 16 GB का रैम है ये आप लोगों के लिए इस टाइम पर बेस्ट होने वाला है। आप इसमें एक बहुत ही अच्छा लैग फ्री एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे आता है थर्ड कैटेगरी के लोग जो कि हमारे हैं एडवांस लेवल के लोग जो कि चाहते हैं कि मैं अपने लैपटॉप में गेमिंग करूं वो भी अच्छे मतलब कि 4K में उसे प्ले कर सकूं और मैं उसे लाइव स्ट्रीम भी 4K में करूं और मैं अपने एनिमेशंस को भी अच्छे तरीके से करूं, लैग फ्री एक्सपीरियंस कर सकूं। तो यहां पर आपके लिए 32 GB का रैम होना मस्ट है। जी हाँ, अगर आपके लैपटॉप में 32 GB का रैम है तो आप अपने लैपटॉप में 8K वीडियोस को एडिट कर सकते हो, 8K वीडियोस को प्ले कर सकते हो और आपको उसमें कोई भी ऐसा लैग देखने को नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपके लिए जो ये रैम टाइप है तो ये DDR4 रैम है, बट आप अगर एफोर्ड करते हो DDR5 को तो यहाँ पर DDR4 और DDR5 में डिफरेंस क्या है ये भी जानना हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर DDR4 में क्या होता है और DDR5 में क्या अंतर होता है। तो बेसिकली DDR4 में जो आती है आपकी होती थी बैंडविड्थ, आपकी जो होती थी फ्रीक्वेंसी, उनमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया जाता है आपके DDR5 में। तो यहाँ पर आपको DDR5 में बहुत सारी इंप्रूवमेंट, बहुत ही अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी DDR4 के मुकाबले,
और आपको उसमें बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलने वाली है, उसकी बैंडविड्थ आपको डबल तक की देखने को मिल सकती है। जी हाँ, DDR4 की जो आपकी थी बैंडविड्थ, उससे आपको डबल बैंडविड्थ आपको DDR5 में देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है ये रैम टाइप भी बहुत ही मैटर करता है, बट जो आपकी होती है एक्चुअल रैम की आपको कितने गीगाबाइट्स की रैम चाहिए, तो यहाँ पर आपके लिए 8GB बिगिनर्स लेवल के लिए, 16GB आपके जो होते हैं इंटरमीडिएट वाले उनके लिए होना चाहिए, और 32GB गीगाबाइट जो है आपके लिए जो एडवांस लेवल के लोग हैं जो कि अपने लैपटॉप में गेमिंग करना चाहते हैं 4K में 8K वीडियोस प्ले करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर जो 32GB का रैम है ये होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये थी टॉप 3 कैटेगरी के लोग जो कि आपको डिफरेंट पर्पस के लिए आप लैपटॉप ले रहे हो, तो ये अगर आप इस टाइप की रैम लेते हो तो आप उसमें बहुत ही अच्छा लैग फ्री एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आपको उस लैपटॉप में कोई भी ऐसा लैग देखने को नहीं मिलने वाला है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।